राष्ट्रीय समानता दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। जी हां दोस्तों, खबर है मिर्जापुर से। आज राष्ट्रीय समानता दल के पदाधिकारियों द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से एक, प्रत्येक मतदाताओं को मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाए। दूसरा, जो जनगणना कराई जा रही है उसको जातिगत कराया जाए। गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। किसानों को समुचित व्यवस्था दी जाए, जिसमें यूरिया खाद, जैविक खाद व अन्य चीजों को सस्ते रेट में उपलब्ध कराया जाए। पीतल उद्योग पर जोर दिया जाए। मिर्जापुर जिला को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। विंध्य क्षेत्र के नाम से एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए। जिले के नगर व ग्रामीण सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जिले में बैठक कर इसे विशेष रूप देने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में अरुण सिंह, प्रदेश महासचिव शिवराम मौर्य, जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह, जिला प्रभारी साकेत पांडे, नगर अध्यक्ष जोखन मौर्य, जिला महासचिव विजय कुमार मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष 96 शेष कुमार मौर्य, 96 ब्लॉक युवा मोर्चा सुरेंद्र मौर्य, जिला उपाध्यक्ष शहीद मंसूरी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष आदि व्यक्तियों द्वारा अपने अपने व्यक्तित्व को रखा गया और कहा गया कि जल्द से जल्द हम इन सभी मुद्दों पर सरकार से विस्तृत चर्चा कर इसे लागू करवाने की मांग की जाएगी। बीच जा रहे हैं, गरीब व्यक्तियों के बीच बैठ रहे हैं। आइए, आज एक खास मीटिंग में हम उपस्थित हैं, बैठक में उपस्थित हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आगे का व्यवस्था क्या है और आपको कैसे कार्य करना है। नाम क्या है भैया आपका? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, ये आपका जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। अरुण कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में कि एक विधायक और सांसद जो चुन करके जाते हैं, उनको तो चाहे एक दिन के लिए हो चाहे 6 दिन के लिए हो, उनको आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन जो मतदाता वोट देता है उसे क्या मिलता है? तो आपके इंटरमीडिएट के नागरिक शास्त्र खंड 4 में दिया गया है कि जो सरकारें होंगी उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि रोटी कपड़ा और मकान जनता को मुहैया कराएं, लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो राष्ट्रीय समानता दल ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि प्रत्येक मतदाता को मतदाता 1750 को मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाए। अब जैसे आप हमसे कहना चाहेंगे वह कैसे देंगे, तो दुनिया भर की जो योजनाएं हैं, विधवा, विकलांग, किसान पेंशन, जो भी योजनाएं हैं उसको बंद करके प्रत्येक मतदाता को मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाए, जिससे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सके। अच्छा, और आपका जो है ये कौन कौन से आप मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं? दूसरा है जो हमारे अभी देखिए देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनगणना कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यह जनगणना सरमेटुआ न कराया जाए, यह जनगणना प्रत्येक जातिवार जनगणना कराई जाए, जिससे मालूम चल सके कि किस समाज के लोग कितनी संख्या में हैं। और तीसरी चीज़ है हमारा, जनपद में गंगा बाढ़ इस समय जोरों पर है, इस समय तो है सामने, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर जाएं, एक जातिवार जनगणना कराई जाए, जिससे मालूम चल सके कि किस समाज के लोग कितनी संख्या में हैं। और तीसरी चीज है हमारा, जनपद में गंगा बाढ़ इस समय जोरों पर है, इस समय तो है सामने, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर जाएं, जो भी हमसे यथासंभव मदद हो सके उनकी हम मदद करें, उनके सुख दुख में भागी बने, और जिला प्रशासन से मांग किया जाए कि वहाँ का दौरा करे और जो भी बाढ़ प्रकोप में जो भी हमारे लोग नुकसान हुआ है उनकी सरकार मदद करे, शासन और प्रशासन के लोग उनकी मदद करें। उसके बाद चौथा है किसानों की समस्या। आज देख रहे हैं हमारे देश में इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हमें चाहते हैं हमारा राष्ट्रीय समानता दल, किसान यूनियन के जो भी नेता हैं या जो किसानों की बात करें उनको हम समर्थन देते हैं। और जिले की सबसे बड़ी समस्या है आज कोऑपरेटिव को आप जाइए तो वहाँ खाद नदारद है, बिल्कुल इस समय धान की वो चल रही है, उसके बाद खाद की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर जाइए लोगों को दुकानों से खरीद करके 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा है तब खाद मिल रही है। उसके बाद जनपद का जो पीतल उद्योग है, आज पीतल उद्योग शून्य के कगार पर पहुँच चुका है। हम लोग चाह रहे हैं पीतल उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, पीतल उद्योग जिससे जिले में रोजगार की वो हो, जो लोग भूखों मर रहे हैं आज कम से कम वो दो वक्त की जीवन रोटी जीवन यापन कर सकें। उसके बाद है पर्यटन। आज हमारे जनपद में जैसे विंध्य कॉरिडोर की स्थापना होने जा रही है, तो मिर्जापुर जनपद को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया जाए जी, बिल्कुल, जिससे इस जनपद का विकास हो सके। उसके बाद
विश्वविद्यालय आज पूरे मिर्जापुर जनपद में मंडल बावजूद सब कुछ होने के बावजूद लेकिन एक विश्वविद्यालय नहीं, नहीं, नहीं है। इस जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए इंद्रजीत के घर के नाम से। उसके बाद आठवां है जनपद की जो भी सड़कें हैं चाहे नगर की हों चाहे ग्रामीण एरिया की हों सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए जिससे ग्रामीण जनता को या नगर की जनता को आने जाने में सुविधा हो सके। बहुत बढ़िया आपका जो ये जो व्यवस्था बनाए हैं अगर ये ज़मीन पर आ गया तो लोगों को बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि ये जो है राष्ट्रीय समानता दल इन सभी मुद्दों पर काम करना जो है शुरू कर दिया है। इसके लिए आज जो है मिर्ज़ापुर में बैठक भी है। यह लोग कार्यक्रम अपना बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। कारण यह है कि जो है कुछ पार्टियां हैं वो अपने कार्य को जो है सीधे सीधे तरीके से अपने फंडे को मेंटेन कर रही हैं लेकिन गरीब व्यक्तियों को नहीं देखा जा रहा है। यह लोग अपनी व्यवस्था को जो है उतार रहे हैं व्यवस्था लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अखिलेश तिवारी स्टार 7 TV न्यूज़ से।